एक दिन जैन फिल्म जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और साथ चलने के लिए कहा। जैन घर पे अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। सबने मना कर दिया। एमिली ने कहा कि वो पहले से ही अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क में थी। उसने एक सेल्फी भी भेजी। सोफी ने कहा कि उसे अपनी बेटी को डांस क्लास ले जाना है। उसने एक सेल्फी भी भेजी साथ में। रॉन ने कहा वो बीमार है, उसे फीवर हुआ है। उसने भी एक फोटो भेजी। इन तस्वीर को देखकर जैन को महसूस हुआ कि इसमें से कोई झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा रॉन। रॉन झूठ बोल रहा है कि उसे फीवर हुआ है। वह एमिली के साथ वाटर पार्क में था। आए देखते हैं अगली पहेली। केविन को किसी ने मारकर उसका पैसा छीन लिया था। वो डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि किसी ने उस पर बंदूक से हमला किया और मेरा पैसा वाला बटुआ लेकर भाग गया। मेहुल ने डैनियल से चोर की उपस्थिति का वर्णन पूछता है। डैनियल का कहना है कि उस आदमी के पास दाहिने हाथ में बंदूक था और अजीब टैटू बनाया हुआ था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। इस विवरण के अनुसार मेहुल ने 5 लोगों को पकड़ा। इन 5 लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? सही जवाब होगा ए की लंबी दाढ़ी है और उसके दाहिने हाथ में एक टैटू है। ई के हाथ में एक बंदूक भी है, वही चोर है। आए देखते हैं अगली पहेली। नैंसी ने अपने बुटीक में प्रवेश किया और पाया कि एक बहुत महंगा फर गायब था। उसने चोर को खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पे संदेह है। मेहुल तीनों से जाकर पूछता है। पहला बोलता है, वॉचमैन बोलता है, मुझे कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने नहीं चुराया है। दोस्त बोलता है, मैं कल बुटीक गई थी पर मैं वहां से कुछ भी नहीं चुराई हूँ। नौकरानी बोलती है, मुझे फर से एलर्जी है, मैं कैसे चुरा सकती हूँ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर किसने चोरी की होगी? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा नौकरानी ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है। वो झूठ बोल रही है, उसने कोट चुराया है। आए देखते हैं अगली पहेली। वोलिबा को हमेशा संदेह था कि उनके पति का संबंध था। एक दिन उसने एक रेस्टोरेंट में उसका पीछा किया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है लेकिन दूर से वो लड़की का फेस क्लियर देख नहीं पाती है। कुछ ही समय बाद उसका पति रेस्टोरेंट से बाहर आता है। वो जल्द ही छुप जाती है। कुछ समय बाद वोलिबा अंदर जाती है। वो एक साथ 3 लड़की को देखती है। इन 3 लड़कियों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वोलिबा के पति से कौन मिली थी? इसका सही जवाब होगा 3री लड़की। उसके बाल और हेयर बैंड को देखिए, यही उसके पति से मिली है। आए देखते हैं अगली पहेली। जॉय एक जंगल में खो गया था। जब वो एक झोपड़ी देखा तो वहां गया। वहां एक आदमी था। जॉय ने उनसे कहा, टैक्सी स्टैंड तक कैसे पहुंचे?
आदमी ने जवाब दिया, आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें बाई और गलत है, दाई और सही है और सीधे सही या गलत है। जॉय को आदमी की बातें थोड़ी ऊपर ऊपर जा रही थी। आदमी भी एकदम गोल गोल तरीके से बता रहा था। जॉय थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर भी उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। वो साइन बोर्ड के पास पहुंचा और सोचने लगा कौन सा रास्ता सही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि टैक्सी स्टैंड का रास्ता कौन सा होगा? सोचिए सोचिए। तीसरा सही होगा। अधिकार सही है इसलिए सही बस स्टॉप है और सब लगत है, इसका मतलब है कि सीधा रेलवे स्टेशन है, तो बाय टैक्सी स्टैंड होगा। बच्चों मुझे लगता है शायद आपको एक बार में इसका जवाब समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर सुनिए। तीसरा सही होगा। अधिकार सही है इसलिए सही बस स्टॉप है और सब लगत है, इसका मतलब है कि सीधा रेलवे स्टेशन है, तो बाय टैक्सी स्टैंड होगा। आए देखते हैं अगली पहेली। देविन ने एक समुद्र तट पर जाने की छुट्टी मांगी थी। उन्होंने अपना टिकट ऑनलाइन बुक की थी। वो समय पर बस स्टैंड पर पहुंच गया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो टिकट लेना भूल गया है। उसे टिकट का प्रिंट आउट ले लेना चाहिए था और उसे नंबर भी नहीं याद था। डेविड के सामने तीन बस थी, उसे कौन से बस में जाना चाहिए? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? सोचिए सोचिए और बताइए। सही जवाब होगा पहला बस, क्योंकि दूसरा और तीसरा लोकल बस हैं और वो अपने लिए एक शानदार बस बुक किया था।